अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये प्रूफ करेंगे 2 इज इक्वल टू 0 होता है। मैंने लेफ्ट साइड ली है, 2 मैंने ले ली है, ये हमने प्रूफ करना है ये किसके इक्वल है, 0 के। क्या 1 को मैं 2 को लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1, ठीक है, लिखा जा सकता है। क्या इस 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 का स्केयर रूट, चेक काट लें, 1 का स्केयर रूट किसके इक्वल है, 1 के, यानी 1 का स्केयर रूट भी किसके इक्वल है, 1 के, इसे लिखा जा सकता है। ये क्या है, +1। अगर मैं लिख दूं -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोबारा क्या बनेगा, +1, यानी -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू +1। अगर इसका मैं -1 का स्केयर रूट अलग कर देता हूँ, तो इसका स्केयर रूट अलग कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये जो आपके पास आया है ना -1 का स्केयर रूट, ये इक्वल होता है अयोटा के। अगर दोनों तरफ आप स्केयर लेते हैं तो क्या बनेगा, अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1, यानी अयोटा की क्या वैल्यू है, -1 का स्केयर रूट, अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है, -1। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, -1 का स्केयर रूट अयोटा, इसकी किसके इक्वल होता है, अयोटा के, तो इसकी जगह भी क्या लिखूंगा, अयोटा। ये 1 उसी तरह अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, अयोटा का स्केयर। तो अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, ±-1 के, ठीक है। तो 1 में से 1 माइनस किया, 0। ये ही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। कैलकुलेट करके तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। अब आपने ये बताना है कि ये मैथमेटिकली क्यों गलत है, इसमें क्या गलती है। जो अगली वीडियो बनेगी उसमें आपको ये बकायदा बताया जाएगा इसमें क्या गलती है, लेकिन आपने नीचे कमेंट करना है। अगर आपको पता चले कि इसमें क्या गलती है तो आपने नीचे कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।